सब्सक्राइब कीजिए देख रिव्यू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ ऑफिशियल व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कीजिए डेली ऑनलाइन में सेविंग करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंद और यह है देख रिव्यू यूट्यूब चैनल। और आज हमें बात करने वाला है रेडमी नोट 5 के ऊपर। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको बताएंगे इसमें क्या फीचर्स मिलती है और इस 9999 में ये फ़ोन बेस्ट होता है या नहीं, तो आइए देखते हैं। तो भाई इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है। इसका मॉडल है जो ब्लैक 32 GB और 3 GB रैम के साथ है। इस फ़ोन का दाम पड़ा 9999 रुपीज़। इसको मैंने फ्लैश सेल में मंगाया है, पहले सेल में, आप लोगों के लिए कि इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाया जाए। चलिए मैं इसको खोलता हूँ यहाँ पे। तो ये सील मिलता है आपको एक, तो मैं इसका रैपर को हटाता हूँ। अगर फ़ोन की बॉक्स की बात करेंगे तो देखिए कितना अंतर आता है। मेरे पास एक रेडमी 4 का है और इसमें काफ़ी डिफरेंस है बॉक्स में। मैंने फ़ोन काफ़ी आपको बड़ा मिलेगा, इसका केस भी आपको फ्री मिलने वाला है। मैं दिखाने वाला आपको, देखिए कितना अंतर है बॉक्स में। ये है मेरे पास रेडमी 4 जो कि आपका 64 GB या 4 GB वर्जन था, उसके साथ ही मैंने ये नया खरीदा है। तो काफ़ी अंतर है, काफ़ी छोटा था पहले। ये बॉक्स कितना भारी है और बड़ा है, आज तक का सबसे फ़ोन से बड़ा बॉक्स मिला आपको इस बार। चलिए यहाँ पे एक सील मिलता है, मैं इसको खोलता हूँ। तो सारे सील मैं ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पहले बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं किस तरह आपको मिलता है। तो नीचे में आप आएंगे यहाँ पे, तो रेडमी नोट 5 बाय Xiaomi दिखा गया है। ऊपर में आते हैं टॉप में लिखा गया है कि इंडियन नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड MI। इसके अलावा यहाँ पर रेडमी नोट 5 मिलता है, इधर भी कुछ MI.com मिलती है। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। टॉप 4 स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको फुल HD स्क्रीन मिलता है जो कि 5.59 इंच का है। इसका एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो 18:9 का एस्पेक्ट रेशियो है और स्क्रीन का साइज जो है 5.99 फुल HD स्क्रीन है। इसमें आपको बैक कैमरा मिलेगा 12 MP का और फ्रंट कैमरा मिलेगा 5 MP का। बैटरी की बात करें तो 4000 mAh बैटरी मिलेगी और इसमें जो प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर वही प्रोसेसर जो आपको रेडमी नोट 4 में मिलता था, तो प्रोसेसर में कोई अपग्रेडेशन नहीं किया गया है। और ये आपको फ़ोन खाली थोड़ा सा बड़ा मिलता है और कैमरा का क्वालिटी इंप्रूव किया गया इस फ़ोन में। तो ये मैं इसको खोलता हूँ। तो बॉक्स में खोलने के बाद आपको ये मिलता है, इसमें पाउच मिल रहा है। पाउच के अंदर आपको मिलता है एक बैक कवर। तो सबसे अच्छी बात इसमें बैक कवर फ्री मिलता है, आज तक किसी रेडमी फ़ोन में नहीं मिला था। मैंने जितना भी अनबॉक्सिंग किया है किसी में नहीं मिला था। तो एक ट्रांसपेरेंट आपको केस मिलता है जो कि कैमरा कवरिंग के साथ दिया गया है। तो ये आपका पैसा बचता है 100 रुपये करीब। और ये ट्रांसपेरेंट है ब्लैक कलर का, क्योंकि मेरा फ़ोन भी ब्लैक है। इसके अलावा मिलता है आपको एक सिम इजेक्टर टूल और इधर मिलता है एक चार्जर जो कि नॉर्मल सा चार्जर है, और कुछ नहीं मिलता है। सिम इजेक्टर टूल भी निकाल लेता हूँ, काम आएगा अभी। और ये बॉक्स खाली है, पीछे मैंने दिखा दिया मेड इन इंडिया का लोगो वगैरह दिया गया है, बॉक्स खाली है। इसके साथ आपको मिलता है 2 मैनुअल जिसको पढ़ के इसके बारे में जान सकते हैं, साइज करते हैं। इसमें मिलता है आपको एक केबल, माइक्रो USB to USB जो केबल मिलता है नॉर्मल सा वही मिलता है आपको, इसमें कोई सी टाइप केबल नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सिम इजेक्टर टूल, इसके बाद जो आपके अडेप्टर की बात करें तो अडेप्टर कोई फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं करेगा, ये नॉर्मल चार्जर है, 5V और 2 एम्पेयर का चार्जर है। इसके अलावा आपको मिलता है एक फ़ोन और एक कवर। कवर के बारे में बात कर लिया मैंने, फ़ोन के बारे में तो फ़ोन में बैक में मिलता है स्टिकर और सामने में मिलता है एक कवर, तो मैं कवर को बिठाने नहीं वाला। तो मैं इसको ऑन करता हूँ, जब तक ऑन होता है तो मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। तो बात फ़ोन के ओवरव्यू पे करते हैं। तो बैक साइड में आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 12 MP कैमरा है। उसमें से फ्लैश लाइट मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और यहाँ पे MI लिखा गया जो कि MI का लोगो मिलता है आपको। इसके साथ ही एक ब्लैक कवर है, कवर के साथ आप दिया गया। इसके यहाँ पे आए तो 2 वॉल्यूम रॉकर मिलता है और एक पावर बटन मिलती है जो कि आपका मेटेलिक है। आपको टिक टैक फीडबैक आएगा जब आप टच करेंगे वगैरह करेंगे, तो अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा। इसके अलावा आपका टॉप में आते हैं कि आपको 3.5 mm जैक मिलेगा, हालांकि हेडफोन आपको नहीं मिलेगा फोन डब्बे के साथ। इसके साथ यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिलेगा, इसके साथ मिलेगा बगल में आपको आयर ब्लास्टर। तो फोन में आपको आयर ब्लास्टर और माइक्रोफोन देखने को मिलेगा, सेकेंडरी माइक्रोफोन टॉप की तरफ और 3.5 mm जैक मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है सिम इजेक्टर ट्रे, तो मैं सिम इजेक्टर टूल की मदद से ट्रे को निकाल दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें तो आपको कोई डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा, आपको हाइब्रिड ही मिलेगा।
तो मैं जो गेस कर रहा था वही है, हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप सिम के साथ सिम या मेगा कार्ड लगाएं या सिम लगाएं। अगर आया नीचे तरफ तो यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पोर्ट और मेन माइक्रोफोन मिलता है और एक स्पीकर होल भी मिल जाता है देखने को। और फ़ोन में कुछ दिया गया नहीं गया, सामने आपको फोन 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और सेंसर वगैरह मिल जाती है। अगर इसका फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो काफ़ी फास्ट है, देख पा रहे हैं आप, मैं बस टच करने वाला ओके। तो फिंगरप्रिंट से आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, बस आप टच कीजिए खुल जाता है। तो फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है। इसके अलावा आते हैं फ़ोन के सेटिंग वगैरह में, तो फ़ोन के सेटिंग वगैरह की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपको मोबाइल डाटा, वाईफाई, टॉर्च बेसिक मिलता था सारा मिलता है, इसका सेटिंग यही है। तो यहाँ पे आते हैं अवार्ड फ़ोन जो कि टॉप में दिया गया आपको। अवार्ड फोन में रेडमी नोट 5 एंड्रॉइड का जो वर्जन है 7.1.2 है, तो उसमें आपको नॉगेट के साथ ही आता है, कोई ऑडियो वोडियो वर्जन को अपडेट नहीं किया गया इसमें, हालांकि मिल जाएगा आपको जल्दी। इसके साथ एंड्रॉइड सिक्योरिटी मिलता है, MIUI वर्जन मिलता है जो कि 9.2 में है, और 9.2 में इसमें अपग्रेडेशन आ जाएगा जो आपको मिल जाएगा। इसके साथ रैम दिया गया 3 GB, और इंटरनेट स्टोरेज की बात करें तो 32 GB आपको जो मिलता है, 23 GB अवेलेबल मिलता है यूज़ के लिए, तो काफ़ी अच्छा रेशियो दिया गया है। इसके अलावा आपको जो बटन की बात करें तो देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं है, बाहर में नहीं है, आप टच मन लाइट के साथ स्क्रीन में आपको बटन दिया गया है जो कि मिनिमाइज मेनू और बैक बटन है। इसके अलावा जो है ऊपर से आए थे यहाँ पर सिम ट्रे, वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह दिया गया, डिस्प्ले वगैरह दिया गया है, तो सारे जो है डुअल ऐप सेकंड स्पेस आपको सारा दिया गया है, आपको भी आपको कॉपी कर सकते हैं। सिस्टम एप्लीकेशन को दी गई है इंस्टॉल। अगर सिस्टम अपडेट की बात करें तो MIUI 9.2.3 दिया गया है, मैं चेक अपडेट कर लेता हूँ कि कौन सा वर्जन इसमें अवेलेबल है। फिलहाल नो अपडेट अवेलेबल दिखा रहा है, फ्री में आ गया एक अपडेट ऐप का इसमें अवेलेबल जो कि 9.2.6 दिया गया है अवेलेबल इसमें, जो कि स्टेबल है, 1.5 GB आपको इसमें लगेगा इसको अपडेट करने के लिए। तो मैं फिलहाल अपडेट नहीं करने वाला हूँ, बैक करता हूँ, मैं दिखा दिया यहाँ पर अपडेट अभी अवेलेबल है और आपको ऑडियो अपडेट भी जल्दी इसमें मिल जाएगा। उनके फ्रंट में आते थे यहाँ कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल मिलेंगे जैसे कि प्ले स्टोर, गैलरी, सेटिंग और आपको सिम्स वगैरह मिलेगा, गूगल कुल एप्लीकेशन मिलेगी आपको इंस्टॉल जो यूट्यूब वगैरह मिलेगी, या सिक्योरिटी ऐप्स मिलेगा, कुल टूल्स मिलेगी आपको इंस्टॉल, इसमें FM रेडियो और रिकॉर्डर वगैरह भी है। इसके अलावा इधर आएंगे तो MI रिमोट मिलेगा, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जितने भी रिमोट सिस्टम्स हैं आई ब्लास्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कुछ एप्लीकेशन मिलेगी, और यहाँ पे आपको MI कुछ एप्लीकेशन मिलेगी। मोर ऐप्स में आते तो आपको Amazon और वगैरह मिल जाएगा, तो इतनी एप्लीकेशन में फ्री इंस्टॉल मिलती है। तो मैंने एक ओवरव्यू आपको फ़ोन का दे दिया किस तरह फ़ोन है, फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसलिए कैमरा का टेस्ट भी कर लेते हैं, मैं आपको इंडोर कंडीशन में फ़ोटो लेके दिखाता हूँ, मैं डेलाइट नहीं लेने वाला फिलहाल, लेकिन डेलाइट में इससे अच्छा आएगा, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसका शटर स्पीड काफ़ी अच्छा है, अभी एक बार क्लिक कीजिए तो फोटो क्लिक हो जाता है, तो शटर स्पीड जो है काफ़ी अच्छा है, बस सिंगल क्लिक आपका फ़ोटो क्लिक हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं फोटो आपको काफ़ी क्लियर मिलेगा, डेलाइट में मैंने इंडोर कंडीशन खींचा है, डेलाइट में तो और क्लियर मिलेगा आपको, तो काफ़ी नॉइज वगैरह कुछ नहीं देखना मिलेगा। 12 MP कैमरा है इसमें, तो कहीं ना कहीं आपका नोट 4 इसका अपग्रेडेशन कैमरा में है, बैक में तो इतना आपको नहीं मिलेगा लेकिन फ्रंट में थोड़ा सा अपग्रेडेशन मिलेगा। तो अगर आप अपने फोन में रेडमी नोट 4 को अपग्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ कैमरा ही अगर चाहते हैं तभी थोड़ा सा इसको लीजिएगा, फिलहाल बाकी सब फीचर्स जो आपको मिलता है सेम मिलता है, यहाँ तक प्रोसेसर भी आपको सेम मिलता है। अगर फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो फ्रंट कैमरा दिखा देता हूँ मैं आपको, तो ये है फ़ोन का फ्रंट कैमरा, तो मुझे तो लगता है काफ़ी क्लियर पिक्चर आएगा। तो ये मिलता है आपको फ़ोन का फ्रंट कैमरा, तो काफ़ी क्लियर है, आप जूम वगैरह भी करते हैं अगर तो उतना हेजीनेस नहीं आएगा, बस आपको थोड़ा सा स्टेबल कर खींचना है। देख पा रहे फ़ोन का फ्रंट कैमरा फोटो भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे कैमरा पसंद आया, ओवरऑल फ़ोन भी पसंद आया, लेकिन मैं आपको आप सजेशन देता हूँ कि फ़ोन को आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी तक हमने बात किए अनबॉक्सिंग का, आप बात करें थोड़ा सा कि फ़ोन आपको लेना चाहिए, तो आपको अगर मन में है रेडमी नोट 4 लेने का तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रेडमी नोट 5 लीजिए, जो कि सिर्फ 9999 का जो वर्जन है 3 GB और 32 GB का वही लीजिएगा, 12,000 वाला वर्जन ना लीजिए, क्योंकि 14,000 में जो आपको फीचर्स मिलता है 5 Pro में वो काफ़ी अच्छा फीचर मिलता है, तो आप 2,000 एक्स्ट्रा देके लीजिएगा, जबकि आपका मगर बजट है 12,000 का तो 14,000 लीजिए, अगर आपका बजट है रेडमी नोट 4 का तो आप 9999 में ले सकते हैं, जो कि पैसा वसूल रहेगा आपके लिए। इसमें आपको अंतर क्या मिलेगा रेडमी नोट 4 के कंपनी में, रेडमी नोट 4 की कंपनी में आपको कैमरा अच्छा मिलेगा, आपको बैटरी जो है उससे अच्छा मिलेगा, हालांकि 4100 मिलता था आपको रेडमी नोट 4 में, 4000 मिलता है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, कैमरा क्वालिटी अच्छा मिलेगा, स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो काफ़ी अच्छा मिलेगा,
जिसमें आपको 18:9 का एक्सपेक्टेशन मिलेगा और उसमें 5.5 इंच का डिस्प्ले था, इसमें 5.99 इंच का डिस्प्ले है, तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलेगा। तो हिसाब से आपका जो रेडमी नोट 4 है उसका अपग्रेडेशन है रेडमी नोट 5, लेकिन आप 9999 वाला वर्जन लीजिएगा, 12000 वाला वर्जन मेरे हिसाब से नहीं लीजिएगा, मेरा सजेशन रहेगा, लेकिन आप ले सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि 9999 लीजिए। अगर आपका बजट 12000 रुपीज़ का है तो 14000 में रेडमी नोट 5 प्रो लीजिए, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, उसमें आपको डुअल कैमरा मिलेगा बैक साइड में। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, हालांकि मैं उसका भी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, मेरे पास फ़ोन आने वाला है कुछ दिन में, उसका भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं दिखाता हूँ आपको रेडमी नोट 5 का प्रो का कंपैरिजन में। रेडमी नोट 5 प्रो में जो है बैक में आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास एक सिंगल कैमरा मिलता है, इसमें आपको डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। और ये फ़ोन आपके लिए उतना अच्छा रहेगा जितना अगर आपको कैमरा आपका मेजर प्रायोरिटी कैमरा है तो आप रेडमी नोट 5 प्रो ले सकते हैं, लेकिन अगर कैमरा आपका प्रायोरिटी नहीं है, आप नॉर्मल कैमरा से काम चला सकते हैं, तो आपके लिए 9999 में वेस्ट रहेगा। जब आपका बजट आता है 12000 रुपीज़ का, तब जाके आपको रेडमी नोट 5 प्रो लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको जो 12000 रुपीज़ दे के मिल रहा है उसमें खाली आपको रैम का और प्रोसेसर इसका ही है, रैम और आपका इंटरनल का ही ज़्यादा मिल रहा है, तो 2000 रुपीज़ उसके लिए देना मैंने मेरे हिसाब से वैल्यूबल नहीं होगा। जिस हिसाब से अगर 4000 रुपीज़ देते हैं, इस कंपेयर 4000 देते हैं, तो रेडमी नोट 5 नोट 5 प्रो में आपको काफ़ी अच्छा फीचर देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सजेशन था कि रेडमी नोट 4 में आपको कौन सा लेना चाहिए। मैं समरी में बोल देता हूँ, रेडमी नोट 4 में आपको लेना चाहिए ये C5 32GB वर्जन, और आपका जब 64GB का आएगा कैपेसिटी 12000 रुपीज़ का, तो आप 14000 वाला नोट 5 प्रो लीजिए, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो ये रहा इस फोन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। अगर पसंद आता है लाइक बटन दबाइए, वीडियो नीचे मिल जाए, आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे डील वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका नाम है ऑफर वर्ल्ड। इसका लिंक आपका ब्रॉडकास्ट का नंबर वीडियो फ्रंट में दिखाया गया है, उसमें जाकर सुजान कर लीजिए, वहाँ पर डील डील्स की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। शुक्रिया।